तो फील ये फैमिली आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेज गॉन। तो डेज गॉन के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ये वाला गेम मैं बहुत टाइम से खेलना चाह रहा था क्योंकि इस गेम में ना सिर्फ भरे हुए ज़ॉम्बीज़ हैं बल्कि इस गेम में बाइक भी है। यानी कि ये जो फीलिंग है ना बाइक चलाते हुए ज़ॉम्बीज़ को मारना, ये चीज मुझे इस डेज गॉन में फील करने मिलेगा। तो मैं इसको खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आराम से बैठ जाओ, डेज गॉन का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आए और आप चाहते हो कि भाई मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहूं, तो बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, लाइक करो। 10K लाइक्स का टारगेट फर्स्ट एपिसोड में कंप्लीट कर दो और उसके बाद मैं रेगुलर एपिसोड्स लाते रहूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, शायद ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है, सब ज़ॉम्बी बनने लगे। मुझे लगा बनते हुए दिखाया जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। She's burning out. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. Mm. How you doing, little sister? So stupid. It was this little kid. This goddamn little kid. The big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Your mom. You want me to come through? We gotta get to the roof. Fly down one of those choppers. इस लड़की को ना किसी बच्चे ने चाकू मार दिया है। Wait, we need help. She's been wounded. What's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay, listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on, no more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteers for this. I'm not even supposed to be out here, okay? ले जाने से मना कर रहा था, अब तो ले जाएगा ना। Okay. I've only got room for two of you, okay? Two. तो चॉपर में ना सिर्फ दो ही की जगह है, तीसरे को नहीं ले जा सकता है। Come on, help me, come on. All right, sweetheart. It's okay. You're gonna be all right. I got her. I'm gonna be right back. तो तीनों तो जा नहीं सकते, फिर हीरो करेगा क्या? Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that guy. We gotta get on that guy. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. इसके दोस्त ने सुन लिया है। Go. Go with her. I'll be okay. Look, I've been through worse shit than this before. Yeah. दोस्त के पैर में भी चोट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने बोल रहा है इसको। Here we go. दोस्त हीरो को जाने बोल रहा है, बोल रहा है कि इससे बुरे सिचुएशन से हम लोग बाहर निकले हैं, तो मैं ठीक रहूंगा, तुम जाओ। Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. अच्छा, तो डीकन यहाँ पे रुक रहा है और बोल रहा है कि मेरे बिना बूजर यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए मेरा भी रुकना जरूरी है यहाँ पर। तो गर्लफ्रेंड ने भी मतलब एक तरह से हाँ ही बोल दी है कि तुम रुको अपने दोस्त के साथ और उसको वापस लेकर आओ जहां भी ये लोग जा रहे हैं। बूजर को बुरा लगने लगा, कह रहे यार क्या कर दिया तुमने, उसको अकेले जाने दे दिया और तुम यहां पर रुक गए हो। सही है यार, स्टार्टिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन अभी तक ज़ॉम्बीज की शक्ल नहीं देखी हमने। कोई बात नहीं, तो इनकी बातों से पता चला ना कि डीक की गर्लफ्रेंड किसी बच्चे की मदद करने जा रही थी और उसी बच्चे ने मतलब चाकू मार दिया डीक की गर्लफ्रेंड को। तो वो चॉपर वाले इंसिडेंट के बाद 2 साल अब बीत चुके हैं। तो डीक और बूजर बचे या नहीं बचे पता नहीं, ज़ॉम्बीज तो आ ही रहे थे हमला करने और डीक की गर्लफ्रेंड कहां गई कुछ नहीं पता है ना। चलो अच्छा है, सब पता चलेगा धीरे धीरे। क्या लिखा है, फ्रीकर्स ऑल डेड, मतलब इसमें ज़ॉम्बीज़ को फ्रीकर्स बोलते हैं क्या? चलो हीरो और उसका दोस्त तो नजर आ गया, यानी कि डीक और बूजर, लेकिन ये दोनों जा कहां रहे हैं? We lost him. He can't be far. Wait, hold on, cut your engine.
तो ये दोनों किसी का पीछा कर रहे हैं और वो भुला गया है। Shit, she's alive. Alvarez. Alvarez, hey. Alvarez. What happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? बूजर इस लड़की को जानता है, पूछ रहा है कि रिपर्स ने मारा क्या तुमको? Leon did this. तो रिपर्स ने नहीं, किसी लियोन ने मारा है इसको। रेसिडेंट इविल वाला यहां पे क्या कर रहा है? वो ऐसा लग रहा है कि लियोन ही भागा है। लियोन का पीछा कर रहे थे क्या ये दोनों? ओ भाई साहब, बाइक चलाने दे दी मेरे को। वाह, मुझे लग रहा था ना स्टार्टिंग में बाइक चलाने नहीं मिलेगी। ओके, तो इसमें नाइट्रस भी लगा हुआ है, खतरनाक। बूजर बोल रहा था कि लियोन के पास गोलियां हैं और डीकन ने बोला कि ज्यादा गोलियां उसके पास होगी नहीं, पर इसके पास मोलोटोव भी है। तेरे को बता रहा हूं मैं, रुक जा एक बार। ओके, तो स्टंट भी दिखा सकते हैं भाई साहब। अब बस एक ही कमी बच गई है, ज़ॉम्बीज आ ही जाओ तो और मजा आ जाए। ओके, बाइक चलाने में मजा आ रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहा है लियोन? अच्छा, जानवर ये सब नजर आ रहे हैं, सही है। बूजर उसके ऊपर शॉटगन चला के बोलता है कि मजा आया तेरे को। बूजर ने लियोन के बाइक पे गोली मारी या लियोन को गोली मार दी है, तो लियोन रुक गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी तक गन निकालने का ऑप्शन क्यों नहीं आया है? तो अब तो गन निकालने का ऑप्शन देना चाहिए। नहीं, Cover me, right behind you. बताओ, एक रेसिडेंट इविल वाला लियोन था, एक ये लियोन है, छुप गया कहीं जाकर। तो मेरे पास सर्वाइवल विजन है, अच्छा उसे मैं ट्रैक कर सकता हूं। Where the hell's he going? There isn't shit out here but a bunch of freaks. Well, maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. Finally caught up with him. तो डीक बोल रहा है ना कि लियोन किसी कोपलैंड के लिए काम कर रहा था और यही काम करते करते आज इसकी वाट लगी है। Hey, hey, wait, wait. Hold up. Shit. All right, let me see. Wait, here. Down this way. Tracks are fresh. तो सर्वाइवल विजन के यूज करके मुझे पता चला है कि लियोन घायल है और आगे भागा है। तो ये विजन यूज करते हुए ना उसके पैरों के निशान का पीछा करना है, ठीक है? So where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. तो बूजर बता रहा है कि ये अपने पापा के साथ शिकार पे जाता था और तब बूजर ने ये ट्रैकिंग करना सीखा है। और अभी लियोन का बस पीछा करना है। कहां भागा है लियोन? Holy shit, get down! तो लियोन भाई साहब मिल गए। अरे वाह, गोलियां खत्म। अच्छा, मेरे हाथ से गोली टच करके गई है, देखो हाथ में निशान है। You okay, brother? Yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine, Boozer. डीगन बता रहा है कि गोली सिर्फ टच करके गई, वो क्या निशाना लगाएगा? अच्छा, ये लगता है लियोन का खून है। He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. He's not getting far. Come on. भाई साहब, ये क्या है? कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं? ये पूरा ब्रिज भर के आ रहे हैं।
Search him. Bleeding out. Well, that's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you'd know all about that. She was still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet, not on her. Hold on for a second. Hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you we'll make a quit. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood from all the way down there. What do you suppose that feels like? Huh? Torn apart? Keep alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, no, no. I got it right here. Take it. Where? In the cemetery. It's in the old cemetery. Thank you. No, you said. तो इसने मैप इसी शर्त पे दिया है कि मुझे तुरंत मार दो, क्योंकि ज़ॉम्बीज आ गए तब तो ये तड़प तड़प के मरेगा। तो इसने जो भी सामान चोरी किया था वो कहाँ छुपाया बता दिया, और अब ज़ॉम्बीज के हाथों मरना नहीं चाहता। तो ये लियोन कोई अच्छा नहीं था, उस लड़की को तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया था और बोलता है कि उसपे मैं गोली थोड़ी वेस्ट करता, लेकिन फिर भी डीकन ने इसको गोली मार के इसके ऊपर एहसान ही किया है। बूजर बोल रहा है कि लियोन को मारने के पैसे मिलेंगे, इसलिए निशानी के लिए लियोन की कैप उठा ली है। बूजर डीक को बोल रहा है कि तुमने अच्छा काम किया भाई, भले ही ये लियोन इतना गिरा हुआ आदमी है लेकिन इसको भी ज़ॉम्बीज के हाथों जिंदा मतलब मरने के लिए छोड़ नहीं सकते थे, तो तुमने गोली मार के अच्छा ही किया। अच्छा, लियोन ने जो मैप दिया है ना उसमें कब्रिस्तान में कुछ छुपाया है इसने, पता नहीं क्या, वो तो अब जाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहां से निकलते हैं। Hey, hold up. I want to search this camp, see if I can't find something to fix up this scratch. I got a use for you. तो अपनी चोट के लिए बैंडेज बनाना है, ठीक है? No, I just gotta put them together and yes, there. Yeah, that ought to do it. Guess I won't be losing the arm anytime soon. तो डीक बोल रहा है कि बैंडेज लगाने से अच्छा लग रहा है, लगता है मेरा हाथ कटेगा नहीं अब। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बाइक के पास वापस जाना है, ठीक है? बूजर चल भाई निकलते हैं यहां से। Oh, we were going hunting tonight. Take some bounties in to Tucker. Well, not if it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Got to stock up on supplies. Yeah. Okay. I don't want to be out all night though. तो डीगन बोल रहा था ना कि आज रात में तुम बाहर जाओगे शिकार करने, तो एक काम करना कि टक के पास जाना और ये जो हमने मारा है लियोन को इसका इनाम ले लेना। Jesus. I gotta get in shape. तो बूजर रात में जाने से मना कर रहा था क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन डीकन ने बोला कि नहीं, हमें कैंप के क्रेडिट्स चाहिए क्योंकि हमें सप्लाईज भरने हैं। तो बूजर ने बोला ठीक है मैं जाऊंगा लेकिन पूरी रात में बाहर नहीं रहूंगा। तो गलत लोगों को मारने के लिए ना क्रेडिट मिलते हैं, उससे आप सामान खरीद सकते हो। Guessing that's the fuel line, unless you just piss yourself. Fuel pump. Leon, yeah, shot out my damn fuel pump. Can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. तो लियोन ने मेरी बाइक का फ्यूल पंप डैमेज कर दिया, मनहूस लियोन। No, I think I got a better idea. We just get it while we're out here. What? Well. Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willie's as good a place as any. Yeah, okay. तो बूजर चाहता था कि कल दिन में आए और डीकन की बाइक को ठीक कर देंगे हम लोग, लेकिन डीक ने बोला कि यही बाइक का पार्ट ना पास में मिल जाएगा, तो वहीं जाना है। Hey, what did Leon give you? Map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. तो बाइक ठीक होने के बाद लियोन जी ने जो मैप दिया है ना, तो उसी के हिसाब से कब्रिस्तान में जाना है और सामान निकालना है। So, tomorrow,
get the drugs, take them to Tucker, collect on Leon's bounty. Then I say we head north. You think shit's any different up north? Don't matter, I think it'd do us good. Get the hell away from here. तो बूजर बोल रहा है कि कल बाउंटीज कलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नॉर्थ की तरफ चलते हैं। तो डीकन ने बोला कि वहाँ पर क्या लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बूजर ने बोला कि मतलब यहाँ से तो निकल ही जाएंगे ना, यहाँ से बेटर ही होगा। Hold on, something's blocking the road. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. तो डीकन ने बोला ना कि रिपर्स ने कुछ दिन पहले ऐसा ही सेटअप किया था। आई थिंक कि रिपर्स रोड ब्लॉक करके ना जाल बिछाते हैं, इसलिए डीकन ने संभलने बोला है। ओके आगे पीछे एक बार देख लेना चाहिए, कोई है नहीं ना, अभी तो नजर नहीं आ रहा है। कार को पुश करके हटाना है। पुश। आवाज आ गई, आ गए। रुक जाओ, इनको ऐसा तोड़ूंगा ना। हमला कैसे करना है ये बता रहे? ओके एक लास्ट ही बचा, आ जा। मैंने तीन को मारा, बूजर ने सिर्फ एक। तो ये लोग रिपर्स थे, मतलब ये जो आदमी का ग्रुप था, पता नहीं। चलो देखते हैं, फिलहाल यहां से निकलते हैं, बाइक का पार्ट लेने जा रहे हैं क्रेजी विलीज के पास। ठीक है, इतना मजा आ रहा था बाइक चलाने में, भाई मेरी बाइक खराब कर दी है, पीछे बैठा हुआ हूं मैं, ये गलत है। Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there. बूजर बता रहा है कि नीरो चेकपॉइंट से हम लोग होते हुए जा रहे हैं। अब ये नीरो चेकपॉइंट क्या है पता नहीं। Shit, how you gonna do this? Loan me your shotgun. I'll walk point. तो बूजर की शॉटगन लेकर मुझे टनल के अंदर आगे जाना है, सही है भाई, मैं तो चाह ही रहा था। Finally. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. I'd rather be buried back with the goddamn pioneers. Yeah. Shit. Look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, a lot of them. What are they thinking? Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out, trapped in a shithole like this. तो बूजर बोल रहा है ना, अभी जो नीरो चेकपॉइंट से हम लोग आए, वहां पर पागल ही लोग होंगे जो रुक कर इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड आता और उन पे अटैक कर देता और वो लोग यहाँ फंसे हुए रहते। और आई थिंक कि वैसा ही हुआ, जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे ना, उन पे ज़ॉम्बीज़ के झुंड ने अटैक कर दिया और अब उनमें से कितने लोग यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बने होंगे। सर्वाइवल गेम का एक असूल है भाई, जो मिले उठाते चलो, कोई सामान छोड़ने का नहीं, तभी ज्यादा से ज्यादा लंबा टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। अच्छा मैं दौड़ने का ट्राई कर रहा हूं ना, लेकिन दौड़ा नहीं है, आई थिंक ये दौड़ना भी ब्लॉक किया हुआ है। अचानक से कहीं से हमला होगा और ज़ॉम्बी से फर्स्ट फाइट होनी ही वाली है। Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Wait, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. तो जहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसके अंदर ज़ॉम्बीज़ है क्या? और डीकन ज़ॉम्बीज़ को बाहर बुला रहा है। Sounds like you got your wish. तो फाइनली जिसका इंतजार था, आ जाओ। डीक कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया। नहीं, आई थिंक इट्स डेड। यू आर गोना ब्रेक माय शॉटगन।
बूजर बोल रहा है मेरी शॉटगन टूट जाएगी भाई, मर गया है वो। टीकन अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया है इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा है क्या? मतलब 2 साल भले ही हो गए लेकिन प्यार करता होगा। इसकी गर्लफ्रेंड है कहाँ पता नहीं। You're going up there again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. Act like what? It's not your fault that she's dead. अरे drop it. If you'd gotten on that chopper with Sarah, all that would have changed is you'd be dead too. Yeah, just drop it. इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। तो बूजर बोल रहा है ना कि तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सारा मर गई, और तुम उसके साथ अगर चॉपर में साथ में बैठ जाते ना तो और कुछ नहीं बदलता, तुम भी उसके साथ मर जाते, बस यही होता। तो इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो डीक की गर्लफ्रेंड सारा मर चुकी है, अच्छा इसलिए तो उसको ढूंढने नहीं गया। वही मैं बोलूं भाई, 2 साल से यहां क्या कर रहा है, जब बाइक पास में है तो जा तो सकता ही है। You're not getting your bike through there. Try that service tunnel. See if you can clear us a path from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. तो ऐसा ही कि एक कार ब्लॉक कर रही है रास्ता, उसको हटाना होगा तब बूजर आगे जा सकता है। और पुलिस कार के अंदर ना हमेशा एमो मिलेगा, तो खास करके पुलिस कार को तो मतलब छोड़ना नहीं है, उसकी तलाशी लेनी ही है। अरे अच्छा, अगर क्लोज कॉम्बैट होता है ना तो हाथ पैर ही से लड़ना पड़ेगा। और ये बात भी पता चल रही है ना कि ज़ॉम्बीज को मारने से ना जो भी कैंप है वो लोग इनाम देंगे, यानी कि क्रेडिट देंगे, और उस क्रेडिट से अपन सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, अलार्म बज गया, ज़ॉम्बीज आने लगे। वाह, इतना समझ के चलना है कि गलती से भी कार ये सब का अलार्म नहीं बजना चाहिए। बूजर तू संभाल ले, एक ही ज़ॉम्बी है, मैं अलार्म बंद करके आता हूं। अच्छा अच्छा, और भी ज़ॉम्बीज हैं। ठीक है बूजर, मैं देख ले रहा हूं। पुलिस कार यानी कि एमओ, सही है। अभी तो देखो मतलब इक्का दुक्का ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, लेकिन जब झुंड आएगा ना, वो झुंड जो मैंने ब्रिज से देखा था, तब क्या होगा ये सोचो। फिलहाल ये टनल ऑलमोस्ट पार हो ही गया है, कुछ सामान जो बच गया उसको उठाते हैं फिर निकलते हैं यहां से। Another nest. Oh. Yeah, I smell it. Oh. How many Molotovs you got left? Well, you just used the last one. You got any shit to make more? Yeah, yeah. तो इसमें ज़ॉम्बीज का ना नेस्ट भी है, मतलब अपना घर बना के वो लोग सोते हैं, आई थिंक, मतलब सोते हैं क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन इनका नेस्ट है। तो जैसे पहले जलाया था ना वैसे ही अभी फिर से जलाना है। This will just take a sec. That'll do it. अच्छा, लाइट से ये लोग मुंह छिपाते हैं। Hey, come on, get on. Yeah, okay, give me a sec. I've been thinking about what you said about riding north. Just saying, you need to get away from here.
Clear your head, you know? In the morning, let's turn in the bounties, and we'll hit the road. Hell yeah, brother. Now you're talking. तो ऐसा है कि डीकन भी तैयार हो गया और कल सुबह ये दोनों नॉर्थ के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि फिर गेम खत्म हो जाएगा। Wanted a freak show. Shit. Place is crawling. तो मैंने झुंड की बात की थी ना, लगता है कि अब सामना करना पड़ेगा। सौ या फिर 150 ज़ॉम्बीज़ हैं यहां पर। Shit, we're gonna need more ammo. What are you thinking? And I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can. And I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. All right, you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. Swear to God, you got a death wish. Like I said, not tonight. Run, you stinking sons of bitches! तो बूजर के पीछे आधे ज़ॉम्बीज़ भाग जाएंगे। चलो ठीक है। तो मेरा काम है कि गैरेज के पास जाकर वो बाइक पार्ट निकालना और उसके बाद फिर मैं बूजर से मिलूंगा आगे। Go on. Get out of here, you little shits. इन छोटे ज़ॉम्बीज का नाम न्यूट्स है और ये लोग देखकर भाग भी जा रहे हैं। अच्छा ही है, गोलियां मेरे पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 ही गोलियां हैं। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि हमला करने के इरादे में है? अच्छा, इनके बारे में बताया जा रहा है। ये देखकर मुझे भाग जाएंगे और ये ज्यादातर छत के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और मुझ पे तब अटैक करेंगे जब मेरी हेल्थ कम है या फिर मैं इनके एरिया में जाऊंगा, ठीक है। तो डीकन उनको बोल रहा है कि एक काम करो, तुम लोग ऊपर ही रहो और हम ठीक रहेंगे, दोस्त रहेंगे। बल्कि इसके ऊपर साइलेंट अटैक कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक फ्रीकस का नेस्ट यहीं पर है, उसको उड़ाया जाए। मोलोटोव फेंकूंगा, उसके अंदर से ज़ॉम्बीज़ बाहर आएंगे। जब तक शॉटगन में गोलियां है ना, तब तक सही है। come on, come on, come on. तो अभी मेरा मिशन है कि मुझे सबसे पहले तो गैरेज ढूंढना है बाइक का पार्ट निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं फर्स्ट ज़ॉम्बी गेम खेल रहा हूं जो कि ओपन वर्ल्ड है, क्राउच कर सकता हूं, ठीक है, झाड़ियों के अंदर छुप सकता हूं, सही है। लास्ट ऑफ अस की थोड़ी याद नहीं आ रही इसको खेलकर। यहां से भर भर की ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है। ओके, नजर भी आ गया। ये गेम खेल कर ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत जोरों से लास्ट ऑफ अस की याद आ रही है, वैसा ही लोकेशन लग रहा है। साइलेंटली मारना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर चाकू टूट गया ना फिर नया चाकू बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहां तो रास्ता ब्लॉक ही है, बाहरी से जाना पड़ेगा मुझे। तो नॉर्मल लकड़ी से ज्यादा अच्छा है ये बेसबॉल बैट। तो जितने सप्लाईज मिले ना सर्वाइवल गेम में कम है, तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है जब तक बैग फुल नहीं हो जाए। साइलेंटली मारने का ट्राई करता हूं, अगर देख लिया किसी ने फिर शॉटगन तो है ही। शॉटगन से नहीं, अब इसी से मारूंगा इन दोनों को। तो
मुझे लगता है ना कि बेसबॉल बैट को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन अभी आया नहीं है। गेम में जब आगे जाएंगे ना तब आएगा। तो एक और फ्रीकस का नेस्ट मुझे नजर आ रहा है, इसको भी उड़ा दिया जाए। ये सब मुझे ना साइड मिशन लग रहा है। लेकिन इसके अंदर ये ज़ॉम्बीज़ करते क्या है नेस्ट के अंदर? सोते ही होंगे। ये एक और नेस्ट है, लेकिन मेरे पास मोलोटोव नहीं है। ओ तो ये नहीं उठा सकता। एक बैंडेज बना लूंगा ना तब उठा पाऊंगा। सही है। तो गैरेज के करीब आ गए, बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। 12 शॉटगन की गोलियां हैं ना, आई थिंक ये काफी इन लोगों के लिए। आई थिंक ये फ्रीकर्स ने देख लिया है, तो इनको ना एक ही जगह पे बैठ कर नहीं अलग अलग करके मारा जाए। मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूं कोई ना कोई ज़ॉम्बी ही नजर आ रहा है। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ मैंने अभी तक कोई गेम में नहीं देखे। ऐसा है ना कि रुक कर एक एक ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना पहले उसको पूरा कर लेते हैं। तो इस सेफ का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि इसका कोड क्या है, यही कहीं होगा। रुको देखता हूं। सेफ का कॉम्बिनेशन है या? ओके, मिल गया सेफ का कॉम्बिनेशन। शॉटगन की गोलियां फुल हो गई मेरे पास, सिर्फ 15 ही गोलियां रख सकता हूं भाई साहब। जाना मुझे बाहर ही है और बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ भी रही हैं। सेफ खोलते हैं, उसके बाद बाहर चलेंगे। ये क्या है? डिस्ट्रैक्टर। ओके, तो इसको फेंक कर दुश्मनों का ध्यान बटा सकते हैं। ठीक है, वो खाने में इतना बिजी है कि मुझे देख भी नहीं रहा है। मुझे पता ही क्या लग रहा है कि इसमें अनलिमिटेड ज़ॉम्बीज़ हैं। Not yet. Still gotta find a way into Willie's garage. Gotta be a fuel pump inside. Hurry your ass up. I rode past one of those. What the hell do you call them? The shit that Rippers put up. Sigils. Yeah. It means they're up here somewhere. तो बूजर बोल रहा है ना कि अगर बाइक पार्ट मिल जाए और डीकन तो चल भाई निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने अभी पास में ही देखा कि रिपर्स का साइन बना हुआ है, यानी कि रिपर्स यहीं आसपास कहीं पर हैं। ओके, तो गैरेज का डोर बंद है। रिपर्स का मैं तब से नाम सुनने जा रहा हूं। ये है कौन? मतलब कोई खतरनाक ग्रुप है क्या? नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं। बाइक का जैसे ही फ्यूल पंप मिल जाए भाई यहां से निकलते हैं। गैरेज के अंदर तो आ गया हूं, लेकिन फ्यूल पंप अभी तक मिला नहीं। Gotta be a fuel pump in here somewhere. Okay, okay, तो बाइक दिख गई है मुझे, उसी के अंदर फ्यूल पंप होना चाहिए, लेकिन पहले सामान उठा लेते हैं। Boozer, you there? I found the part. I'm heading out to the highway. Deep pot. Rippers! Rippers! No, no, no! Ah! Oh. Ah, shit! Rippers. Boozer. Boozman. God damn it. तो ऐसा लग रहा है कि रिपर्स से अपनी मुलाकात होने ही वाली है, क्योंकि बूजर को पकड़ लिया है रिपर्स ने। ओके, तो बूजर को बचाना है। ये कुछ कलेक्टिबल है, ये सब कलेक्ट करने से पता नहीं शायद कुछ मिलेगा आगे जाकर, अभी नहीं पता है।
तो चलो अब बूजर को बचाते हैं। बूजर की चिल्लाने की आवाज आ रही है, ज्यादा दूर नहीं है बूजर। तो ये दोनों टकले रिपर्स हैं। अच्छा These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Get off me! The bitches, Biker Man! You must be brought low, Biker Man. For you are lost, and we are found. We will show you. Takli Ripper, aa raha hu main, aa raha hu. Not one of the found. You are the lost. The path. You are lost. इन रिपर्स की अब खैर नहीं है। क्या करना है? कवर। अच्छा कंट्रोल से ले सकता हूं, ठीक है। These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Get off me! Hey, over here! You sons of bitches, get off us! मेरे दोस्त को जलाया ना, अब इनकी बारी है। दोनों मर गए या कोई जिंदा है? ओ एक जिंदा है। तो इस टकली रिपर को ना बेसबॉल बैट से मारूंगा। रुको, ऐसा है ना, जब डीकन मारने पे आता है ना तो जेंडर नहीं देखता, मेल हो फीमेल हो सबको इक्वली मारता है। अचानक से बूजर के ऊपर हमला कर दिया रिपर्स ने। इस सिचुएशन में अगर बाइक का तेल खत्म हो जाए या बाइक खराब हो जाए तब क्या होता है ये सोचो। बच गए दोनों। Why don't you wait out here? Let me make sure it's all clear. Screw that. There's a bunk calling my name. ये इन दोनों का घर है, okay? Alright, pretty much like we left it. Why? Not like there's much to steal. Just gonna reintroduce myself. Oh, thank God. I'm gonna go out, find some shit for your army, get my bike. Are you gonna be okay? Yeah. Good. Yeah. I'll head over to that neuro checkpoint. They gotta have sterile bandages and painkillers. Wait, don't leave my bike there. No. I'm gonna be going out on foot while it's still light out. Hey, I've got some ammo if you need it in the footlocker by the door. Thanks. Hey, don't take my shotgun. अरे भाई, shotgun मना किया है बूजर ने ले जाने। बूजर। All right. There you go. Thanks, brother. Just feel kind of naked without it. बिना शॉटगन के बूजर को ऐसा लगता है कि उसने कपड़े नहीं पहने, इसलिए अपनी शॉटगन मांग ली है। इसी शॉटगन के चक्कर में भाई डीकन इतना ओपी था। अब पता नहीं मेरे पास एक नॉर्मल सी हैंडगन है और कोई वेपन है कि नहीं है। तो लॉकर में मैं अपने नए वेपन स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। पहले नए वेपन मिल तो जाए। ओके, क्रॉसबो भाई साहब, ये बड़ा काम आएगा जब साइलेंट मिशन करूंगा तब। तो अपने बाइक के लिए फ्यूल पंप उठा लिया है डीकन ने, तो अपने बाइक को जाकर ठीक करना है, वापस लेकर आना है और बूजर के लिए दवाई लानी है। Damn it, Boozer, your arm's not gonna be fine. Son of a bitch, I gotta find something for his arm. तो डीकन परेशान हो रहा है कि बूजर का हाथ जला हुआ, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए दवाई तो लानी ही पड़ेगी। Use this. Hmm.
तो सबसे पहले ना मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता हूँ, ऐसा है क्या? या फिर स्टोरी को फॉलो करते रहना है? देखते हैं। ये ऑटोमेटिक दरवाजा है, वाह। बूजर की बाइक ले जा सकता हूँ क्या? तो अंधेरा होने से पहले अपनी बाइक लेकर आना है, बूजर की बाइक नहीं ले जा सकता। Boozer, are you awake? Yeah, Deke. What's up? I just saw someone sneaking around the safe house. What the hell? What's he doing? No idea. I'm gonna follow him. See if there's some more where he came from. Deke out. तो ये आदमी सेफ हाउस के पास क्या कर रहा था? कहीं इनको मारने के चक्कर में तो नहीं है? या फिर शायद देख रहा होगा कि अंदर कौन-कौन लोग हैं ताकि हमला कर सके। मैं क्लिक करके उसको मारना चाह रहा हूं लेकिन मारने नहीं दे रहे हैं ये लोग, यानी उसका पीछा ही करना है। ठीक है, अच्छा इसका साथी भी अपने साथी से मिल रहा है, ये पक्का प्लान बनाएगा मारने का। एनिमीज को मार्क कर सकता हूं बाइनोकुलर से, ओके। तो ये जो आदमी था ना, यही देखने आया था कि अंदर कौन कौन है, और जैसे ही अंधेरा होगा ये लोग हमला कर देंगे। इनको पता है कि दो में से एक आदमी इंजर्ड है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं इनको अभी मारने वाला हूँ। आदमी को मारने के बाद उसके अंदर से तीर वापस निकाल सकते हैं क्या? चलो देख लेंगे। एक दुश्मन के पास राइफल भी है, वो राइफल मेरे को चाहिए। तो जितने तीर थे फिलहाल खत्म हो गए, इसका काम तमाम कैसे किया जाए? हैंडगन ही निकालते हैं फिर। अच्छा दो तीन आदमी और बचे हैं, ठीक है। अब अगर हील नहीं ना करता तो एक गोली में मर जाता मैं। Won't be needing this. एक नया वेपन मिल गया है, राइफल। सिंगल शॉट है लेकिन तगड़ा है। That's the last of them. तो सारे मर गए ना, हाँ। Must have followed us here. तो डीकन इन मनुष्यों के लिए अपने मनी में बोल रहा है कि मेरे एरिया से दूर रहना। Boozer, I found the camp. Just a few drifters looking to move in our safe house. Like we were saying before, it's time to start thinking about heading north. Let's get your arm fixed up and then worry about hitting the road. I'm gonna be heading to my bike. Deacon out. तो बूजर को बता दिया डीकन ने कि कुछ लोग हमारे सेफ हाउस में घुसने का ट्राई कर रहे थे, और ये बात सुनकर बूजर यही बोल रहा है कि हमें यहाँ से निकलकर नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए। तो अभी अपनी बाइक लेकर आना है, बूजर के हाथ के लिए कोई दवाई लेकर आनी है, और जैसे ही बूजर ठीक होगा यहाँ से निकलना है। बहुत सारी गोलियां मेरी फुल हो गई है, अब क्या किया जाए? ज्यादा गोलियां रखने का ऑप्शन आगे आना चाहिए आई थिंक। तो बैंडेज ये सब के भी सामान फुल है मेरे पास, यहां से निकला जाए। Damn freakers.
तो बाइक तक पहुंचना आसान नहीं होगा क्योंकि रास्ते में ज़ॉम्बीज भी हैं। तो फेल गेम फैमिली, आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई और डेज गॉन के एपिसोड आप रेगुलर देखना चाहते हो तो एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, 10K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो और उसके तुरंत बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड लेते आऊंगा। तो चलो, ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।